लोकसभा चुनाव 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में आरओ उड़नदस्ता के साथ बैठक किया गया। एडीएम वित्त विधान जायसवाल पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि उम्मीदवार की रैली के दौरान कितनी गाड़ियां चल रही हैं, रैली की अनुमति है कि नहीं, सभी घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, चाहे वह कैमरे से हो या मोबाइल से हो, पल पल की घटनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अभी तक जो आप लोगों ने किया है वह प्रगति इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सभी पार्टियों की गतिविधियां बढ़ेंगी, उसी तरह से आप लोगों को सतर्क होना ज़रूरी है। मतदान के दौरान एक एक पल की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बैठक में प्रमुख रूप से SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ADM वित्त विधान जायसवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुरनीत कौर, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे सहित जनपद के सभी उप जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, उसके प्रारंभ से लेकर उसके समापन तक रहे, अगर MCC वायलेशन का कोई केस होता है प्रारंभ में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें। अगर कोई सभा चल रही, जुलूस चल रहा है तो जुलूस में कितनी गाड़ियां सम्मिलित थी, वो उन पर अनुमति थी कि नहीं थी, उसके बारे में आप लोग अपनी रिपोर्ट में अवश्य उसको उल्लिखित करेंगे। और मात्र जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, आपको फॉर्मेट जैसा मैंने पहले ही बताया है, आपको FS टीम को हमारे दो तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, एक DAR है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, जिस पे आप लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो हालांकि नील नील करके भेज रहे हैं, उस पर हमने बताया आपको जो गाड़ियां आप चेक करेंगे उसका भी नंबर, कौन उसमें ड्राइवर या कौन थे उसमें, और उनका मोबाइल नंबर भी रखेंगे ताकि बाद में यदि कोई इशू हो तो फिर उसको हम लोग देख सकें और ये भी जान सकें कि वास्तव में आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो आप लोगों ने किया है उस पर बहुत प्रगति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है पोलिटिकल पार्टीज की कैंडिडेट्स की एक्टिविटीज और बढ़ेंगी, उसी हिसाब से आप लोगों को और सतर्क होने की जरूरत है। आप लोग अपनी समस्याएं भी जो बताते रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए या दूरभाष के जरिए कंट्रोल रूम से, उसको संबंधित वाहन की कोई समस्या होती है तो उसको यहाँ पर अटेंड किया जाता है, वीडियोग्राफर की समस्या होती है वीडियोग्राफी प्रोवाइडर उसको अटेंड करते हैं। इन केस यदि वीडियोग्राफर के संबंध में जैसा हमने पहले भी बताया था, यदि वीडियोग्राफर उपलब्ध नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल कैमरा आपके पास फोन रहता है, तो अपने फोन से भी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप वीडियोग्राफर नहीं है तो आप फिर उसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। कोई भी गाड़ी जो आप सर्च कर रहे हैं उस सर्च के दौरान वो वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए, आइदर थ्रू फोन और थ्रू वीडियोग्राफर। वीडियोग्राफी प्रभारी का नंबर आप लोग नोट कर लें, उसके माध्यम से उसको अवश्य आपके पास है, मैं नोट करा दूँ, 9415001712 9415001712 वीडियोग्राफी संबंधी सहायक प्रभारी वीडियोग्राफी है, तो हम बता सकते हैं जो जिस लैंडलाइन से आपको फोन जाता है या जो हमारे और सहायक नोडल अधिकारी किसी को बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। इस साथ SPRS साहब हैं, आपका भी नंबर आप लोग नोट कर लें, 9415 9454। एक और चीज़ जैसा मैंने बताया आपको कि 50,000 से ऊपर की यदि कोई नकदी है उसको बिना पेपर वर्क दिए तो इनकम टैक्स के संबंधित अधिकारी को आप सूचित करेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर को सूचित करेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी वो एक जगह स्टूडेंट की चेकिंग को बढ़ाइए, और ये भी ध्यान रखिए जो गैस ले जाने वाले वैन्स हैं, गैस की वैन है, उनको भी आप लोग अवश्य चेक करें, ATM में गैस डालने के लिए ले जाते हैं उनके पास क्या क्या पेपर होने चाहिए, अगर यदि नहीं है तो उसको किस तरीके से अटेंड करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये SST टीम है मैडम, उनको कृपया जो सी विजिल में इनको इन्वेस्टिगेटर के रूप में ऐड कर दें मैडम, वो रिवाइज हो गई है, पहले 24 घंटे पे ही लगी हुई थी, एक ही टीम बार बार लगी हुई थी, तो उसको उन्होंने 12 में बाइफरकेट कर दिया है, तो
तो अब वो डबल टीम हो गई है। दोबारा से ऐप को फिर से नहीं किया तो उनका वो उसी तारीख का लॉगिन दिखाता है। तो मजिस्ट्रेट्स जो है, जो जिनके फोन पे ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, वो लोग डेली उसको एक बार लॉग ऑफ करके फिर से एक बार लॉगिन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ के में हम लोगों को पुरानी जैसा डेट्स और ये जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं किया है डाउनलोड, तो cvigil.eci.gov.in। अब यहाँ चुनाव की गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, जैसा कि आपको पता है। एक खजनी विधानसभा क्षेत्र जो है संत कबीर नगर लोकसभा सीट में आती है, वहाँ पर 12 तारीख को मतदान होना है और 19 मई को गोरखपुर और बांसगांव का होना है। इस सिलसिले में डीएम साहब और मेरे द्वारा संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें सभी फ्लाइंग स्क्वाड और SSTs की बैठक ली गई, जिससे कि हमारी आदर्श आचार संहिता जो है उसको अच्छे से लागू कराया जा सके। प्रतिभागियों को अच्छे से बताया गया कि क्या नियम कानून है जिनको उन्होंने लागू कराना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, आदर्श आचार संहिता के हिसाब से संविधान के तहत चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों को बराबर का अवसर मुहैया कराने के लिए उसने कुछ मानक बिंदु तय किए हैं, जिनकी निगरानी प्रशासन के द्वारा की जाती है। पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम फ्लाइंग स्क्वाड्स हर विधानसभा क्षेत्र में राउंड द क्लॉक चलती हैं कि कहीं उसका उल्लंघन ना हो। उसके क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह का प्रचार होना है, सभी प्रचार अनुमन्य तरीके से ही होना है, जिसको प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, पैसे कितने लोग ले जा सकते हैं, उसको कितनी चेकिंग होनी चाहिए, सभी चीज़ें अखबारों में निकाली गई हैं। जो भी 50,000 से ऊपर पैसा लेके चल रहा है उसके ऊपर लिखित दस्तावेज होना चाहिए। फ्लाइंग स्क्वाड्स को बताया गया अनावश्यक लोगों को तंग मत करें, लोगों से अच्छे से व्यवहार करें, राजनीतिक दलों के जो पोस्टर बैनर इत्यादि किसी घरों में गाड़ियों में जो भी लगे हैं वो सभी जिला प्रशासन की अनुमति के साथ ही लगेंगे, जिससे कि सभी उम्मीदवारों को बराबर का अवसर दिया जा सके। तो इन सब बातों को समझाते हुए उनकी एक बैठक ली गई और काफ़ी देर तक के उनको समझाया बुझाया गया, जिससे कि आदर्श आचार संहिता का अच्छे से पालन कराया जा सके। सर, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए भूतों के कुछ अराजक तत्व या असामाजिक तत्व उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? जी, हमारा पिछले एक महीने से अभियान चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों को पाबंद किया जा रहा है और पिछले साल से रिकॉर्ड को हटाते हुए उसको तोड़ते हुए भी हमने बहुत सारी कार्रवाइयां करी, चाहे अवैध असलाह है, चाहे अवैध शराब है, सभी में हम उच्च स्तर की कार्रवाइयां कर चुके हैं और लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम किसी भी असामाजिक तत्व को चुनाव में दखलंदाजी नहीं करने देंगे। समय भी रहेगा, उस समय मतदान को देखा जाए, मतगणना को देखा जाए, लगन का भी समय रहता, तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, तमाम उत्सव होते हैं उसके। जी, आपको पता है कि जो चुनाव का समय है वो जो है वो दिन का ही होता है, शाम को 6 बजे 5 या 6 बजे तक ही होगा, और शादियों का समय तो उसके बाद ही होता है। और चुनाव चूँकि 3 साल 5 साल में एक बार एक राष्ट्रीय पर्व है, हम सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसके जो मानक नियम तय हैं संविधान के द्वारा उनका पालन करना चाहिए।